चंदा लो और धंधा दो की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरे देश के सामने बेनकाब हुई है कि उद्योगपति के दरवाजे पर भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिखा देते हैं, ईडी रिवर्स गियर में चली जाती। एक लालची तानाशाह का गुलाम एक लोकतंत्र को बना दिया, जीएसटी पे हो, नोटबंदी पे हो, कोरोना पे हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे हो, जितनी बातें उन्होंने कही वो सच साबित हुई। आप किसी को सड़क चलते पूछ लीजिए, साहब इस देश में फेक न्यूज सबसे ज्यादा कौन चलाता है, आपको जवाब मिल जाएगा बीजेपी चलाती है। पूछिए चुनाव आयोग से कितने क्या कदम उठाए उसने उन नेताओं के खिलाफ, उन पार्टियों के खिलाफ जो फेक न्यूज और हेट स्पीच का सहारा लेते हैं, कि इस बार आंख पर पट्टी बांधकर ये नहीं देखेगा कि किसका क्या चुनाव चिन्ह है, किसका क्या नाम है, कौन किस पद पर बैठा है, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो तो चुनाव आयोग को उस पर एक्शन लेना चाहिए। चुनाव का बिगुल बजा है, जनता ने ललकारा है, न्याय की इस रणभूमि में लोकतंत्र ने हमें पुकारा है और हम तैयार हैं। आज माननीय चुनाव आयोग ने आम चुनावों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये चुनाव किसी भी सूरत में आम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह चुनाव फैसला करेंगे कि यह देश और भारत का लोकतंत्र मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के कंधों पर चलेगा या चुने हुए कुछ पूंजीपतियों के कंधों पर चलेगा। यह दिशा यह चुनाव तय करेगा, इसलिए मैं इसको आम चुनाव कहना पसंद नहीं करूंगा, यह बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे तय होगा कि देश बाबा साहब के संविधान पर चलेगा या एक तानाशाह के गुणगान पर चलेगा, इसलिए यह आम चुनाव नहीं है, यह खास चुनाव है। इस चुनाव में न केवल वोट पड़ेंगे बल्कि अहंकार और तानाशाही के ऊपर एक भारी चोट देने को यह देश तैयार है। इस चुनाव की इंतजार यह देश पिछले कई कई वक्त से कर रहा था। 10 साल में और खास तौर पे पिछले 5 साल में संविधान और लोकतंत्र की ऐसी कोई मर्यादा नहीं बची जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तार तार नहीं किया हो। चाहे ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्ष की आवाज को कुचलना हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसानी हो, पेपर लीक होने हो, पेपर लीक के बाद उनके साथ जो अन्याय हुआ वो हो रहा हो, वो पिछले 10 साल में पूरे देश ने देखा। एमएसपी की जायज मांग करते हुए 750 किसान शहीद हुए वो पूरे देश ने देखा। किसानों को दिल्ली पे आने से किस तरह से रोका जा रहा है ये पूरा देश देख रहा है। महिलाओं के साथ सड़क पर सरेआम जो रवैया हमने देखा इस देश में होते हुए, बलात्कार हो रहे हैं, मॉलेस्टेशन हो रही हैं, चलना दुभर हो जाए महिलाओं का, वो भी ये पूरा देश देख रहा है। मणिपुर से लेकर और महाराष्ट्र तक जो कोई वर्ग ऐसा बचा हो जिस पर अत्याचार न हो, हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई वर्ग बचा होगा। मणिपुर की जब चर्चा हो ही रही है तो अकारण अनाप शनाप बोलने की आदत रखने वाला व्यक्ति जो दो दो घंटे टेलीप्रॉम्प्टर्स, छह छह टेलीप्रॉम्प्टर्स लगा के भाषण देने की जिसकी आदत हो, मणिपुर के वक्त वो टेलीप्रॉम्प्टर ऑफ हो जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है, मुंह में दही जम जाते, एक शब्द मणिपुर पर प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकलता। और पिछले कुछ दिनों से चंदा लो और धंधा दो की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरे देश के सामने बेनकाब हुई है, आप सबने देखी है। कई हफ्तों से, महीनों से, सालों से महंगे वकील खड़े किए गए कि ये आंकड़े सार्वजनिक न हो। देश जानना चाहता था कि आखिर क्या छिपाना चाहते थे आप, क्यों ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते थे आप। लगातार बहाने, एक के बाद एक बहाने बनाए गए, एसबीआई पर दबाव डाला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। हम धन्यवाद देते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो लोकतंत्र की ढाल बनकर खड़े रहा और ये आंकड़े अब सार्वजनिक हुए हैं।
12,000 करोड़ का चंदा लॉटरी वाले, वैक्सीन वाले, खदानों वाले, जिन सब से जो चंदा लिया गया, इसके बदले में प्रधानमंत्री ने इन्हें क्या क्या दिया, ये आप लोग सब जानते हैं, वाकिफ हैं, लगातार हम इस पे चर्चा करते रहते थे। इधर ईडी की रेड होती थी, उधर भारतीय जनता पार्टी की गुल्लक में सिक्के गिरने शुरू हो जाते थे, ये भी हम सब ने देखा। और एक मजाक एक तरह से चारों तरफ अब सोशल मीडिया पे दिखता है कि उद्योगपति के दरवाजे पर भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड दिखा देते हैं, ईडी रिवर्स गियर में चली जाती, फिर वो एड्रेस भूल जाती, फिर वहां ईडी कभी नहीं जाती। तो पूरे लोकतंत्र का एक तरह से चंद एजेंसियों ने एक लालची तानाशाह का गुलाम एक लोकतंत्र को बना दिया, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये जो चंदे की लूट का पैसा है, ये जो हफ्ता वसूली का पैसा है, ये जो वसूली सरकार बैठी है केंद्र में, इसने अपनी पार्टी का हर जिले में 7 सितारा ऑफिस बनाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर राज्य में, हर जिले में कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, स्कूल की छत हो या न हो फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी का 7-स्टार ऑफिस होना आवश्यक है। यह है इस चंदे का धंधा, यह है इस हफ्ता वसूली सरकार की असलियत। और हमारे कुछ साथी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, आप जैसे साथी जाते हैं तो बताते हैं, एक एक कमरे में 4-4, 5-5 सबसे महंगे एसी, ये कहां से आ रहा है पैसा, किसका पैसा है, इस पैसे के बदले में आप क्या क्या बेच रहे हैं। 10 साल से ये सारे सवाल हम सबके जहन में है, हम सबके दिमाग में है, आप लोगों के, आप लोग नहीं चला पाते हैं लेकिन आपके दिमाग में भी है ये सवाल, किस तरह से विधायक खरीदे जाते हैं, सरकारें गिराई जाती हैं, किस तरह से नेताओं को ब्लैकमेल कर करके उनकी पार्टियां बदलवाई जाती हैं, जमीर का सौदा किया जाता है, ये पैसा कहां से आता है। कल बहुत ऐतिहासिक दिन है, हमारी पार्टी के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, जो मणिपुर से शुरू हुई थी, कल उसका मुंबई में समापन है। राहुल जी ने हमारे पार्टी अध्यक्ष के निर्देशन में, खड़गे साहब के निर्देश में के अनुसार ये यात्रा निकाली और लगातार सड़क से संसद तक देश के नौजवानों, किसानों, पिछड़ों, महिलाओं और दलितों और शोषितों के हितों के लिए संघर्ष लगातार किया। 2 यात्राएं निकली हैं, ये दूसरी का कल समापन है। भारत जोड़ो यात्रा आप सबने कवर की थी, आपने देखा था कि वो देश के कोने कोने तक गए, जनमानस की भावनाओं को समझा, समस्याओं को समझा और लोगों ने भी राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को बहुत नजदीकी से समझा। जो दुष्प्रचार हमारे खिलाफ किया जाता था वो चारों खाने चित हुआ इन यात्राओं के माध्यम से। पिछले 10 साल में आपने देखा कि जो जो राहुल गांधी ने कहा, वो जीएसटी पे हो, नोटबंदी पे हो, कोरोना पे हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे हो, जितनी बातें उन्होंने कही वो सच साबित हुई। पिछले 10 सालों में आपने यह भी देखा कि जिन जिन राज्यों में हमने अपनी गारंटीज की बात की और उन राज्यों में हम जीते, वहां वो हमने वादे पूरे किए, उन गारंटियों को पूरा करके दिखाया। इसलिए आज जब राहुल गांधी 5 न्यायों की गारंटी की बात करते हैं तो लोगों को भरोसा होता है कि ये राहुल गांधी बोले हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी की पार्टी बोली है, ये सोनिया गांधी की पार्टी बोल रही है, ये होके रहेगा, इसलिए लोगों को भरोसा है। हमने गिनती करो का एक नारा दिया, राहुल गांधी ने दिया, किसकी क्या, कौन सा वर्ग, कौन सी जाति, कौन सी क्लास, ये संख्या की जानकारी होनी आवश्यक है, तभी नीति निर्धारण हो सकेगा। इस देश की राजनीति की दिशा इस नारे ने बदल दी है। युवाओं को पहली नौकरी पक्की और 30 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भर्ती भर देना, उनको भर देना, वो रिक्तियां खत्म करना,
ये गारंटी राजनीति को बदलने की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है। आज के बाद कोई कितनी भी कोशिश कर ले ध्यान बटाने की, इस देश के नौजवानों का ध्यान इन्हीं मांगों पर है, इसी गारंटी पर है। वो जवाब मांग रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि चुनाव शुरू हो और वो ऐसी पार्टी को वोट दे जिसने 30 लाख नौकरियां भरने की गारंटी दी है, जिसने पहली नौकरी पक्की का वादा किया है, वो है कांग्रेस पार्टी। देश के करोड़ों किसान भी प्रमुख फसलों पर कानून के माध्यम से एमएसपी की जो गारंटी हमने दी है उसकी इंतजार कर रहे हैं। उनकी इंतजार अब कुछ हफ्तों की बची है, 2 महीने की बची है, उससे ज्यादा नहीं बची है, वो इंतजार खत्म होने वाली है। कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच के उदाहरण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो भाजपा शासित प्रदेशों से मिलते हैं। चुनाव आयोग क्या करेगा उनके बारे में, क्या करना चाहता है, क्या करने की हिम्मत है, वो चुनाव आयोग से पूछिए आप। ना केवल हेट स्पीच, जो फेक न्यूज चलाई जाती है, सोशल मीडिया पे चलाई जाती है, आप किसी को सड़क चलते पूछ लीजिए, साहब इस देश में फेक न्यूज सबसे ज्यादा कौन चलाता है, आपको जवाब मिल जाएगा बीजेपी चलाती है। पूछिए चुनाव आयोग से कितने क्या कदम उठाए उसने उन नेताओं के खिलाफ, उन पार्टियों के खिलाफ जो फेक न्यूज और हेट स्पीच का सहारा लेते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग, जो कि छोटी छोटी शिकायतों पर जो विपक्ष के खिलाफ होती हैं तुरंत एक्शन लेता है, हम उम्मीद करेंगे कि इस बार आंख पर पट्टी बांधकर ये नहीं देखेगा कि किसका क्या चुनाव चिन्ह है, किसका क्या नाम है, कौन किस पद पर बैठा है, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो तो चुनाव आयोग को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हम यह भी उम्मीद करते हैं और अपेक्षा करते हैं चुनाव आयोग से कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो अक्षरशः लागू किया जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।